डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपने जो है बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला हमारे लिए। एक मैं आपसे जानना चाहता था कि जैसे आप हैं इंडस्ट्री में, मतलब मेडिकल फील्ड की इंडस्ट्री में इतने सीनियर हैं, आप काम कर रहे हैं, आपकी तरह और भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बट व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन फेक डॉक्टर्स, मतलब ऑनलाइन जो फेक आजकल डॉक्टर्स आ गए हैं। एक मैंने लॉकडाउन के टाइम में एक डॉक्टर देखे थे, आई एम नॉट श्योर कि उनका नाम देना यहाँ पर ठीक है कि नहीं, आपकी उनके साथ थोड़ी बहसबाजी भी हुई थी, डॉक्टर बीआरसी। और उनका क्या था कि मतलब एक होता है ना कि फ्रॉड करने का लेवल भी बहुत बड़ा होना चाहिए आपका, और उसके लिए तो मतलब बहुत रिस्पेक्ट आया मेरे दिल में उनके लिए, क्योंकि खुद ही संस्था बनाना और खुद ही को उससे सम्मानित करना ये अपने में बहुत अलग लेवल का फ्रॉड है। देखो इसको कई बार क्या हो जाता है, बहुत अजीब और गरीब सी चीजें हैं, क्योंकि क्या है प्रॉब्लम ये है कि पढ़ाई करने में कोई मनाही किसी को भी नहीं है, ठीक है कि भाई आपने कहीं से पढ़ लिया, आपने बोला कि मेरे को ये समझ में आता है, मेरी बात सुनो, इंटरनेट चलाना आता है, फोन चलाना आता है, वीडियो चलाना आता है, तो लोग आपकी सुन लेंगे, है ना। वैसे ही हाँ भाई, इसको एक बात अच्छी कह दी तो दूसरी भी अच्छी बोलेगा, चार बात अच्छी बोल दी तो तीसरी भी अच्छी बोलेगा, तो फिर ऐसा हो जाता है। और पुराने जमाने से क्या होता रहा कि भाई जो पहले जमाने में ऋषि मुनि होते थे उनके तो बस उनके तो चेले होते थे कि भाई इनके साथ समय बिताया है तुमने तो आप भी ज्ञानी हो गए, आपको ज्ञान आ गया। सो ऐसे में क्या हो जाता है, कई लोग कुछ किताबें पढ़ के कुछ ये पढ़ के अपना इंटरप्रिटेशन बना लेते हैं, जरूरी नहीं होता कि उनका हर इंटरप्रिटेशन सही हो, और ऐसा भी जरूरी नहीं होता कि उनका हर बात गलत हो। तो ये तो भी एक हेल्थ लिटरेसी वाली बात है कि, और एक्चुअली वो एक आदमी के ऊपर नहीं है, पूरा का पूरा मतलब कह लीजिए ये विचारधारा है, विचारधारा होता है कि भाई बाहरी कंट्री क्या या वेस्टर्न मेडिसिन खराब है, इंडियन मेडिसिन, आयुर्वेद मेडिसिन या ये कह लो वो चीज, उसके लिए भी BAMS एक अलग, हमारे जो उसके जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके भी देखोगे तो उनके भी कई 10 लोगों के अलग विचारधारा होती हैं, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे आयुर्वेद वाले एक साथ चलते हैं, कई सारे कॉन्ट्राडिक्शन है, ये तो ये बोल रहा है, वो तो वो बोल रहा है, मैं किसकी बात सुनूं। सो यहाँ पर क्या है, आज का ये दौर आया है जहां पर लोग मल्टीपल लोगों की बात सुन पा रहे हैं, आज से 5-10 साल के बाद वो क्रिटिकल थिंकिंग लोगों में अपने आप आ जाएगी कि भाई किसकी बात सही है किसकी बात गलत है। अनफॉर्चुनेटली वो विचारधारा जो है नेक्स्ट, इस हमारी जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन को अच्छे से पता रहेगा कि कौन सही है कौन गलत है, पर जो हमसे पहले वाली जनरेशन है वो अभी थोड़ी वल्नरेबल है और उनको थोड़ा एजुकेट करना जरूरी है, इसलिए हम लोगों की जवान लोग जो हैं और नेक्स्ट जनरेशन में जो लोग उनके 20 साल की उम्र 20 से 30 में है, 30 से 40 में है या और छोटे, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस चीज़ को समझे, क्योंकि देखो प्रैक्टिकली देखोगे तो अब से कुछ 50 साल के अंदर मुझे तो नहीं लगता कि हेल्थ लिटरेसी आपके स्कूल के इसमें आएगी, सिलेबस में आएगी कि भाई एक 10वीं 12वीं क्लास का पार करने वाला जो है उसको हेल्थ के बारे में सब पता होगा जो होना चाहिए, इंडिया में तो नहीं। तो अब 50 साल में आ जाए तो बहुत बढ़िया बात, 10 साल में तो नहीं आने वाली, तो ये तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे को सही बात समझाएं। सो ये प्रॉब्लम जो है वो तो रहेगी और ये इसका कोई एक इलाज नहीं है, ना तो गवर्नमेंट भी उस पर बहुत कुछ नहीं कर पाएगी अब तक, क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि घर जाके प्याज खाया करो, टमाटर खाया करो या पानी में बैठा करो, वैसा कोई रूल नहीं है, वो आपकी मर्जी, आप करो ना करो। अब हम आपको बोले भाई सर के बाल उड़ा लो सारे, है कि नहीं, नाक के बाल अच्छे नहीं होते सारे निकाल लिया करो, है कि नहीं अब उसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं, चाहे छोटे हैं, है ना, नाक के बाल भगवान ने बनाए हैं तो उसका एक रीजन है कि भाई चलो कुछ धूल मिट्टी बचेगी, है ना, पर आप निकाल रहे हैं और लोग तरीके बता रहे हैं। टेक्निकली स्पीकिंग एवरीथिंग हैज प्लस एंड माइनस थिंग, तो वो नॉलेज आदमी को होना चाहिए कि भाई कहां गड़बड़ है। जी उन्हीं उसी गैप का फायदा उठा करके ये लोग ऐसा कर देते हैं, तो वो टाइम तो मुझे खाली वही जो शख्स है वही रिप्रेजेंटेटिव बने हुए मेरे दिमाग में इस पूरी कम्युनिटी। अरे कहां जनाब, आप इंटरनेट खंगाल के देखिए, आप पगला जाएंगे, इतने लोग भरे हैं वहां पे, इतने लोग हैं इंटरनेट पे जो मतलब अनगिनत अनगिनत लोग हैं जो अब और पैदा हो रहे हैं, मगर दे सी कि पीपल वांट दिस काइंड ऑफ इजी सॉल्यूशन, सिंपल सॉल्यूशन। वो छोड़ो, मैं आप बता रहे हो 2-3 दिन पहले की बात है, एक पेशेंट आ गया इमरजेंसी में और ऐसा इतनी मुट्ठी भर के लाल मिर्च खा के आया, लाल मिर्च जो आप डालते हैं चुटकी भर डालते हैं ना खाने में, इतनी मुट्ठी भर के लाल मिर्च खा के आ गया, कह रहा मैं काय खा लिया भाई, तो कहता है सर मेरे को घबराहट हो रही थी, छाती में दिक्कत हो रही थी, खा लिया, मैंने हार्ट अटैक हो रहा है, बच जाएंगे। मैंने कहा कौन बोला तुमको यार ये ना, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। अब वो क्या था, वो एक तो उसने पी रखी हुई थी वो, हाँ एक तो उसने अच्छे से पी रखी, चढ़ा के आया ऊपर से, चढ़ा चढ़े में जब घबराहट होने लगी उसको लगा हार्ट अटैक, सुन लिया होगा कोई वीडियो
कि लाल मिर्ची खा लिया करो, ये कर लिया करो, ले मक्की मार के आ गया। फिर कम से कम इतना वो तड़पे है कि ये जल रहा वो जल रहा, मैं क्या भाई लार्ज मिर्च खाई है, अब मैं कैसे निकालूंगा अब वो, फिर वो चीज। सो इट वॉज लाइक अ वेरी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी, और वो एजुकेटेड पर्सन यार, ऐसा नहीं कि कोई अनपढ़ था, एजुकेटेड सी फैमिली, ऐसा भी नहीं कोई 50 साल का बंदा हो, 30 35 40 साल का आदमी। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है दुनिया में। सो आई वॉज लाइक कि अब ये अफेक्ट करने लगा है लाइक like, तो मैं उस समय सोचा काश मैं इसका वीडियो बना पाता। नहीं बना सकता, लेकिन वो चीज आ जाती है, हो जाता। हाँ, वो पेशेंट का, करेक्ट करेक्ट, बट मैंने कहा चलो जो है सो है, क्या कर सकते हैं, बट ये चीज जो है वो नहीं देख सकते, राइट, जो कर बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, ये चीज वो नहीं देख पाते जो हम अपनी आंखों से देखते हैं कि भाई ये गड़बड़ हो गई, वो गड़बड़ हो गई, राइट। ऐसे ये तो एक मेजर क्लियर कट सी बात है कि भाई लाल मिर्च खा लिया तुमको क्या बेनिफिट मिलेगा, उस आदमी के तो खुद ही समझ में आ जाएगा उसको जब वो पूरा जल गया अंदर तक। बट ऐसे ही कई लोग अपनी क्रिटिकल दवाइयां बंद कर देते हैं इसके उसके कहने पे कि भाई डॉक्टर साहब मैंने सुना था तो मैंने दवाई बंद कर दी, अब मैं वही खा रहा हूँ और थोड़े दिन अजीब सा अच्छा लग रहा है, फिर उसके बाद और ज्यादा फेलियर में आ जाते हैं। सो ये जरूर है कि इंडिया के अंदर खासकर ये बहुत जरूरी है कि एलोपैथी आयुर्वेद जो है मिल के काम करें, बहुत जरूरी है, और कहीं ना कहीं उसका मिलना अपने आप में एक बहुत मुश्किल बात है। मुश्किल क्यों है, क्योंकि एलोपैथ को आयुर्वेद नहीं पढ़ाई जाती, आयुर्वेद को एलोपैथी नहीं पढ़ाई जाती, और अगर पढ़ाई भी जाए तो एक दूसरे पर भरोसा नहीं लोगों को। ये एक्चुअल सिनेरियो है जी। क्या मेरे घर में खुद ऐसे होता है, मतलब कितना ही समझा लें, कुछ भी कर लें, लेकिन नहीं, वो क्या नाम है, मेथी का रस पी के वो शुगर कम करती है मेरी मम्मी। वो काम करता है, नहीं वो काम करता है, जो काम करता है वो करता है, यही तो पॉइंट है। अच्छा अच्छा, हाँ, मेथी काम करती है, जामबुरलिन काम करती है बहुत, बिल्कुल जामुन के बीज काम करते हैं, वो बिल्कुल करते हैं, कोई डाउट नहीं। आयुर्वेद में शुगर की जो मेडिसिन है वो काम करती है, बट ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट में करेगी, थोड़ा सा करती है। और मैं तो खुद कई बार लोगों को बताता हूँ कि जो दवाइयां एलोपैथ में बनाई है आसमान से थोड़ी लाई है, कहीं ना कहीं तो कहीं ना कहीं कुदरत में पाई जाती है, उन्हीं को इकट्ठा करके जो कॉन्सेंट्रेट करके बनाई, फिर समझ में आया कि अरे इसका स्ट्रक्चर तो ये है, तो इसके अंदर बेसिक केमिकल ये है, अब ये केमिकल को आर्टिफिशियली बना सकते हैं तो आर्टिफिशियली बनाया, मगर अल्टीमेट स्रोत तो उसका वही है ना, आयुर्वेद या कह लो नेचुरल चीज है, तो नेचुरल चीज से बनी हुई दवा ही तो है अल्टीमेटली, थोड़ी कॉन्सेंट्रेटेड। अब अगर उसमें 10 कंपनियों में 5 कंपनी मिलावट कर रही है तो हमारी गलती थोड़ी है, वो तो गवर्नमेंट का देखना है ना, वो तो तेल में मिलावट, चावल में मिलावट, उसमें हमारी गलती थोड़ी है, सही बात। ये चीज है।